नेताजी। अरे हाँ बहरे आओ। आए तो रही और ठीक ठाक हो सब? हाँ बढ़िया। आओ गाड़ी खड़ी कर दो, इधर आ जाओ। अरे भाई ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके इधर आओ। नेताजी और सुनाओ? बढ़िया है। आपके लिए चाय बनवाई जाए? अरे आप चाय बनवाओ या जल पिलवाओ, बस आप तो आप हैं, बस मिल गए सब कुछ हो गया। बैठो बैठो बैठो। हेलो मैडम जी। हाँ कहिए। अरे दो तीन लोग मिलने वाले आए हैं, थोड़ी चाय बना लीजिए। अरे वहां से हुक्म चला रहे हो, बुरखा भगोना और बुरखी गैस बना लो। अच्छा अच्छा ठीक है दूध नहीं है, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम रखो, तेज मत बोलो। अब एक काम करो, थोड़ा पानी ले आओ। पानी ले आओ मैं? अरे वो रखा जग और वो पड़े गिलास, उठाओ नल से लो पी लो। अरे नेताजी। हाँ जी। अब चलें, जाय में समय ना आए तो। अच्छा अच्छा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, फिर आना। हाँ आज जात रहे हैं। राम राम। राम राम। कितनी बार मैंने तुमसे कहा, कितनी बार तुमसे कहा मैंने कि जब कोई आदमी आया करे तो कम से कम ढंग से रहा करो, लेकिन तुम चाय नहीं बना सकती, एक गिलास पानी नहीं ला सकती। मैं? अरे मैं पानी क्यों पिलाऊं? मैंने इस घर में सुख ही क्या जाना है, और मैं तुम्हें चाय और बना के पिलाऊं? और दुख कौन सा उठाया तुमने? दुख सुनो कि जब से आई ससुराल, ससुराल ना चैन किसी भी दिन पायो। मौज की छान रही हो तासो? अच्छा तो मौज की दिखाई पड़ रही है। पूरे दिन फंसी रहूं घर में, सब दिन चिंता रहती सर में। ठलुआ बैठी रहती हूँ तासो। तुम्हें ठलुआ दिखाई पड़ रहा है? ये तो पूरे दिन घोपड़ो खाली रहती हूँ, ठलुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरो भाइयो हाल लेती रहती। बाहरी आदमी हमसे मिलने के लिए आए, तुम्हें नहीं मालूम जिस समय हम पब्लिक में बोलते हैं, हाँ हाँ, उस समय ऐसे मान लो कि, ऐसे मान लो कि आग लग जाती जनता। कभी चूल्हे में आग नहीं लगा पाई, जनता में तो तुम ऐसी आग लगाते होगे। जानती हूँ जानती हूँ। घर में जब से आई मैं किसम कहूं दो रुपया की जलेबी ना खा पाई। एक भी दिन पहले मनाई देखी, धूल में मिली साने और उसे की मैं फंसी गई विपत्ति की जाले हो जाले ना। तो कहना रे किस्मत सुधरी गई। किस्मत हमारी सुधरी गई कि बिगड़ गई? अब ये तो हम ही जानती हुई है कि हमारी कैसी सुधर किस्मत सुधरी गई है। दिमाग खराब मत करो, ज्यादा बड़ी हम कुआरी होती सो अच्छी रहती। अगर ये कह रहे तो सुनो, जैसे बढ़िया कुआरी होती, जैसे बढ़िया होती कुआरी तो रहती सुकारी मुख आयो न बेरी काली।
अब तुम दिमाग खराब मत करो हमारा। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? आराम से पूरे दिन बैठी रहती हूँ, किस्मत खुली गई। तुम्हें तो बैठे हुई दिखाते रहते हमेशा। हमें पता है ना तुम क्या थी। क्या थे? अब ऐसे ही रखो। तुमने मायके में पालो कैसे बेटा? मैंने? तुमने? तुमने मायके में पालो कैसे बेटा? अब दिखाई रही नक्शा ससुरे में, दिखाई रही नक्शा ससुरे में। हमारी बात कर रहे हो? शादी ना है वही थी बात से पहले कहानी। हमें सब पता है। का पता है? सब पता है। मेरी अम्मा चार चार जोड़ी सूट बनवा देता तीजे नवा लू है। तुम्हें? हाँ हमें। कहूँ मांगे से धोती लो ना मिली। अब तू चुप आ देखो। हमें जा कहते हैं बातें ज्यादा मत करो। मैं बातें कर रही हूँ। हमें पूछो, हमें पता है। ए जब कहीं गई बाजार मांग के पहनी तुमने धोती। हमने धोती? तुमने जब कहीं गई बाजार मांग के पहनी तुमने धोती। रूखी रोटी खाई न जानी सब्जी कैसी होती। हाँ हाँ तुम्हें तो सब्जी दे आता थे ना। बिन बात के भर नहीं हो अब एठ हो दिखाई रही नक्शा ससुरे में। शादी करवाई मजिया तो पूछो। अच्छा अरे हमसे पूछो। तुम्हारी से तो सब लोग खबर लेके आते हैं हमारे घर की सुबह सुबह। अब तुम ऐसी नक्शेबाजी दिखा रही हो। आज तुमने सब लोगों के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती कराई। ब्योहरे हमारे बिना चाय पिए चले गए। चले जान दो ब्योहरे। बात तो जय है ना। जब से ब्याह भाव मेरे संग सुधरी जिंदगी तेरी। सोई जाती हो चार बजे से जग रही खूब अबेरी। तूने कब हूं कीनी मुझ संग भेंट हाय दिखाई रही नक्शा ससुरे में। दिखाई रही नक्शा कासे एक बात सुन लो। हाँ हम तो जज चाहते हैं कि तुम खूब नाराज हो जाओ। खूब नाराज है कि तुम फांसी दे ले। हम फांसी दे ले? सत्तू भाई क्यों नहर में गिर पड़ जाएंगे? बस एक काम करो। भोर होते ही जासे बढ़िया हुई जाओ हमसे न्यारी। ये चूल्हा तबा उठा ले जा मु रख ले जा के जीटी रोड पे सड़क अड़ा के तुम्हारी। अबे तोरू हो जे। और अरे भोर होते ही जासे बढ़िया हुई जाओ हमसे न्यारी। समय से रोटी नहीं देती हो करती रोज दुखारी। हम ड्यूटी को हो रहे रोज लेट नहीं दिखाई रही नक्शा ससुरे में। तुमने मायके में पालो कैसे बेट दिखाई रही नक्शा ससुरे में। बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? हाँ अब देखो तुम चुप कहाँ है जा जाई में अच्छा ही है। हम जा कहते हैं देखो हम अच्छे तरीका से तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे परिवार को हम जानते हैं। कहाँ जानते हो? अरे हम जानते हैं। कहाँ जानते हो? तुम्हारे भैया न को पहचाने। मेरे भैया न को? और अगर डकैती लाते हैं मैं। अच्छा अब देखो अब बहुत कुछ हो गई है। तुम्हारे भैया न को पहचाने हो जाए न को जाने। वही तो करियो ना जो तुम देखती नहीं घर में। अब देखो अब बहुत हुई गई है। अगर मेरी भौजान की कहोगे ना तो तुम्हारी भौजाई बड़ी अच्छी चार चार दिन तक ना नहाती। जूठे बर्तन पड़े रात पटिया पे लल्ली ललन के मुंह पे ना की मोमबत्ती की फैक्ट्री चलती है। सो हमारी भौजाई की तुम कह रहे। हाँ?
हम जकात ज्यादा मत बढ़ो। अब देखो तुम हमसे बात मत करो ना, अब हम डंडे उठाने वाले हैं। फिर हम जकात ज्यादा मत बढ़ो। देखो एक बात याद रखियो, अरे कही जो बात मेरे पीहर की सुन रहे हैं? तो अरे कही जो बात मेरे पीहर की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा? या देख फांसी जा दुनिया से अपनो मुख मोड़ूंगी। यहाँ से सोता ही घटिया उठवा ली है जो और सोच रही हो। हम जाए चाहते हैं कि तुम फांसी दे के मत जाओ। हम मत जाओ, हम तुम्हें मारी के तब मन वाली है, ऐसी मत समझियो। कोई बड़ी बात हो रहा हूँ जाने, कोई बड़ी बात ना है, लेकिन मुसीबत एक है ना कि अब हम कुछ कह ना रहे। तासे जाए है कि तुम शांत रहो, शांत रहो। अच्छा जाए भैयन से तो कामे गांव से निकालेंगे। गांव से अरे करू शिकायत जाए भैयन से, मैं पीहर में जाऊंगी जब तक जिंदा रहूं लौटी नहीं जाया जनाऊंगी। जाए तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि तुम चली जाओ। बस रुकवाए आ रुकवा रुकवा, तुम्हारी किस्म ऐसी तुम्हें कोई लुल्लुची खवाई है, ये सब थोने ही न पीछे की जाए तुम्हारी। अरे तुम हो कहाँ? अरे जाना है तो जल्दी जाओ। हम जाए जल्दी, बुझोरा कहाँ है? अरे जाना है तो जल्दी जाओ, क्यों नाहक देर लगाई, और तुम्हारी जैसी एक नहीं दो चार के लिए बियाई। समझ हमारी जैसी, हमारी जैसी हम लगा लड़ो नहीं। देखो तुम हमसे बातें मत करो, परिवार में काऊ को तो ब्याह ना है बहु, सो तुम्हारी तो ऐसे गोने हो जाते, मैं तो हमारी बदनसीबी आती ना, सो जब घर में आग लगाई मेरी किस्मत ही फूट गई है। जकाओ के सुधरी गई है? सुधरी गई ना है, फूट गई। तुम ऐसा करो, तुम जाओ जाओ तुम, और लौट कर मत आना। अरे जाना है तो जल्दी जाओ, क्यों नाहक देर लगाई, तुम्हारी जैसी एक नहीं दो चार के लिए बियाई। और सुनो, सुना भूल गई तुम पिछली बात। कौन सी पिछली? कम टाइम से रोटी ना मिली है हमें। हाँ तुम्हें तो पाले आए आते, इतना बड़ा तुम्हें करे आए आते हमें। पढ़न जाती आती तो कहाँ पी ना मिल पाई तुम्हें। अच्छा तुम्हें तो बीएम पढ़ रही हो, तुम्हें तो पढ़ाई रही तुम्हें ने। अरे भूल गई हो तुम पिछली बात, तुम्हें रोटी ना मिल पाई, अब ससुरे ने लगाई लिपस्टिक नक्शा रही दिखाई। से हम जो चाहते हैं कि तुम निकल जाओ, जाओ। हम ऐसे ही निकल जाएं? तुम खून पी के तब जाएं, और तुम ज्यादा बातें और मत करो हमसे, हम बता दे रही हैं। जाको मतलब जे है, जाको मतलब जे है कि हमारे जितना भी प्यार किया, सम्मान किया, हाँ उतने ही तुम सर पे सवार हो गई। हाँ सवार हुई है। अरे नेताजी। हाँ टूटे रुपया है, टूटे रुपया के माए हम आए, और उदम सो कहा पर हो तुम्हारे घर में?
प्रधान जी। हाँ अरे ना कोई बात ना, तुम अरे तुम यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। बताओ। देखो जाओ, देख रहे दशा देख रहे, अरे जो कछु चक्कर हुए, मुसीबत है ना मुसीबत है। तुम जानते हो पूरे दिन, पूरे दिन, अरे अरे दिन भर शीशा हाथन में और ये सिंघार बनाया करती है। अरे एक पैसा कहूं काम ना करो, आज बेवारे आए तुम्हें मालूम है। हाँ बिना चाय पिए चलेगे तुम्हारी सब, तुम्हारी वरे लगू आएगी सवेरे हमारी यहाँ, दो चाय पी के आप पता ना जो बोहना की कैसी मत कर दी है, जाए चाय के पीछे ना। देख ले प्रधान जी, अब जे रोज रोज लाए के कदे में कहां तक चाय बनाऊं। ठीक ना आएगा ये जो गीत जातो तो जो हिंदुस्तान में गईया मारी मारी फिरती तेरी जे बोरे आजकल मारे मारे फिरता। मुसीबत ये है ना, पूरे दिन बैठी रहती है। अरे हाँ कोई एक एक, एक एक पैसा का काम नहीं करती, सुखा भजन करती। अरे यही तो मुसीबत भजन, अगर भजन करती तो बढ़िया आती। और हमें पूछो, दिन भर शीशा हाथन में और ये सिंघार सजाया करती है। अरे और दिन बात बाजार में जाकर के रबड़ी को उड़ाया करती है। देख रहे दसा, बता कैसी मोटी भाई खाए खाए सोता हूँ कहीं कुल दिनों ते गद्दना का जो उत्तर होएगा। प्रधान जी संजा को कुत्ता उतार के हम टांगे देते हैं, सवेरे को जेब खाली मिलते और जब हम पूछे कि जब पैसा गए कहाँ, अरे बताता ही नहीं कोई। तो जन्ने इतनी गंत बात है, पति की जेब ना काटे वो चाहिए चाहे बाकी गद्दन क्यों ना काट लियो। दिन भर शीशा हाथन में सिंगार सजाया करती है। बहुत गंत, कैसी श्री देवी आई देख बताओ, कब दो पैसा ना मिले इन्हें। अब हाँ कैसी बातें कर रहे हो, सो तो मालूम है सिंगार कह रहे हो तो पान पान से जोड़ा लाके रख दे, सब सारे दिन जोड़े तो बदलती रहती है। हम जका तो बोला नहीं, प्रधान जी के सामने मत बोला, बेवारे के सामने तो बेइज्जती हो ही गई। प्रधान जी कौन से बाजार जा करके रबड़ी को उड़ाया करती है। और सभी पड़ोसी ने हार गई, इतनी लड़ंक है। अरे मतलब हम अपने घर की बात तुम्हें बता रहे हैं ना, बहुत कमी है, कमी करने का। सभी पड़ोसी ने हार गई, दिन भर सताया करती है। हमसे बैठी बैठी आंगन में कानून बनाया करती है। पास पार पार पड़ोसनी तो सब हारी गई, आदत की खरी है ये तो, लड़े होना चाहिए। ताई से तुम कह रहे हैं ना पूरे दिन, कौन हम खरी है प्रधान जी, हमसे कह रहे हो खरो पानी है तुम, आओ खरो पानी है। और तुम प्रधान जी से मेरी शिकायत कर रहे हो, और तुम्हें अभी तक जिन मालूम पहन ले ऊपर से खादी को कुर्ता, और सोचने लगे कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। हम नेता जी हैं, इनमें क्या कमी है जो कच्ची शराब बेचते हैं। अरे तुम ना जानते प्रधान जी, इनने तो मेरा खून ही पी लो। अरे सारे दिन कुर्सी को तोड़े दूसरों पे हुकुम बजाते हो, और बातें मारो बड़ी बड़ी दुई रोटी नहीं कर पाते हो। सुन रहे हो, ध्यान है बताओ, दुई रोटी तक ना कन्नो आती है जे हमारी करी रोटी खाए वो चाहती है। बताओ कहा जमानो है, और तुम्हें न कोई शर्म, हमेशा हुकुम बजाती हो। पे बजाएं केवल एक बात बताओ प्रधान जी। हाँ अब घर में जब नौकरानी काम कर रही है तो अब कहेंगे तो किनसे कहेंगे, तुमसे ही तो कहेंगे ना। इनसे कहो लेकिन नौकरानी से ज्यादा कहो। अरे तुम्हें न कोई शर्म, हमेशा ओम पे हुकुम चलाती हो। अरे भूल गई पिछली बात, तुम मेरे भाग्य से खाती हो।
इनके के भाग्य से हम खाते हैं। हाँ, तुम्हें जी ना मालूम है या भाई कि जब हमारी शादी हुई के ना आई हती तो घर में चुहिया तक भूखन मती हती। तुम्हारे आए वैसे पहिया ऐसे डरक गयो जब लखपति हो गई। और क्या है? बोला मत, तुम हमारे सामने। अब तुम चुप हो जाओ। हम जो कहते हैं अब देख ले प्रधान जी समझा लो, तुम ही समझा लो। अब समझाए तो लेकिन एक आध बात तुम तो समझो। अब तुम ये कहती हो कि हमारे आए तो सब कुछ होएगा। अब जो तो हम ही जानते हैं कि जे जानते हैं कि पहले कहा तो अब कहा है। प्रधान जी ऐसा हुआ तुम तो हमारा फैसला करना है पायो। मुश्किल ही है। अब तुम ऐसा करो तुम अब ठाड़े कान रहे हो, बैठ जाओ तुम जाओ। बैठ गए। हाँ इलेक्शन में तो ठाड़ो है वही पत्तो है। अब जे बता रहे हैं कि हम नारी हैं। अरे तुम कहा नारी हो? नारी तो हमारे देश की बहुत थी। कौन? लक्ष्मी बाई। अच्छा। सीता, सावित्री। ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक जेव श्री देवी आई। ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें बढ़ावा मती। समझ रही हो? सुन रही हूँ। ज्यादा मत बोलो। अच्छा। ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें बढ़ावा मती और नारी बहुत ही किसी को रुक ही नहीं। और आन पर जान दे नाम रोशन किया। बहुत ही हमारे देश की वीरांगनाएं लक्ष्मी बाई अंग्रेजों के पीछे ऐसे पड़ गई अपनी जान की चिंता नहीं की। और तुम पूरे दिन शीशा देखने के अलावा काम का है तुम्हारा? अब तुमने चिपका रहा हो, जान भलाई है। बोलो माते। आन पर जान दे नाम रोशन किया जो रोके किसी के रुकी ही नहीं। नारियां बहुत ही हमारे देश हिंदुस्तान की। एक तुम हो। संजा को 4 बजे पर रहती हूँ और सवेरे को 10-10 बजे लो जब उठाओ तब को जैसे तैसे तो जगती हूँ। और जगी गई तो झाड़ू आता मना। प्रधान जी दशा बह है कि जैसे जगी बस शीशा उठाए को बिंदिया तुम्हें जा रहा सड़क गई मुसीबत जवा तक है। और तुम जो पूरे कमरा में शीशा लगवा दो। हमारे देश की तुम जैसी नारिन सखवारी भाई कहने सुनने से दिल भी मचलता नहीं। अच्छा भूली तेगा चलाती है जिभ्या सदा। तलवार तो दूर रही जीभ चलाना सीख गई बस। ठीक कह रहे हैं। भूली तेगा चलाती हो जिभ्या सदा उल्टा पल्ला संभाले संभलता नहीं। हमारी बहन की बात कर रहे हो? अरे वो तो मेरी बहन थी लेकिन तुम्हें जिना मालूम ये कि उनसे 10 किलो वजन हम में ज्यादा ही हुई है। और फिर उनकी बात तो छोड़ो तुमने कहा करो जा जिंदगी में हमने हमें बता हमने। हाँ तुमने हमने का घोटाला करा। अरे बस तुमने खादी को कुर्ता या लाए पाओगे और कुछ लेकिन तुम जन प्रधान जी ऐसे ही नेता ने तो देश गड्ढा में ले गए। अच्छा। तुम जैसे नेता से देश भीग गए पाकिस्तानी लड़ाई को निस दिल लड़े खादी पहने तुम घूमत हो यहाँ खादी पहने तुम घूमत हो गलियन सदा कोई ऐसा नहीं वहाँ पर जाकर मरे।
जी छोटी सी राजनीति में आप भी हैं जी है? नेता पाकिस्तान वालियों से आकलते और क्या हम लड़ाई लड़ेंगे? अरे नहीं तो नेता लोग तो लड़वाते हैं। फौजी अगर तुम होते तो ज्यादा बढ़िया रहते। मालिक कैसे कमरा में जाते। अरे प्रधान जी बेबाते छोड़ो, जहां से बढ़िया जो होती भौजी कहीं मार जाते लड़ाई में गोली से तुम। सुन रहे देख लिया, अब तो जो समझ लो छाती पे ओरे पत्थर देख लिया तुमने। अरे प्रधान जी सुन रहे हैं, तुम कहां जानो जो बातें। मिलता पैसा सभी सुख मिलते हमें, मिलता पैसा सभी सुख मिलते हमें और अमर शहीदों में। अब खामोश हो जाओ, अमर शहीद हम हो जाते और क्या है। जा से बढ़िया हम बिना आदमी की होती सो ठीक आती। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अब रुक जाओ, अब बोलो नहीं। अगर हम अमर शहीद हो जाते प्रधान जी, अब तो हम पे कुछ उत्तर भी नहीं तो मालूम हमें कितना सुख हो। तो होती साधन सभी होती गाड़ी खड़ी है? अगर तुम मर जाते तो सुखारी सदा। तुम्हारी जिंदा रहे से फायदा कौन सी है? तुम्हारी जिंदा रहे से न सुख भी मिला। मैं भूली ससुरे की पिछली अदा। तो गंत बात है ना कि है? अब बता तुम्हें मार वो चाहता है। तुम अगर मर जाते, तुम अगर मर जे हो तो हमारे तो कसनो चलो जाए जे तो जिन पे भिजिया ना लगते हैं। मर गई हम तो जानते थे ये पढ़ी लिखी है। हाय तुम पे मरी परे प्रधान जी, ऐसे होया हम तुम्हारे सामने ज्यादा बेइज्जती अब सहन ना कर सकत। अब तुम पे ही ना जारी जाते पे पूरी कुठार है। अब मुसीबत केवल एक है ना? एक ना है दो है। एक तो तुम बचो कैसे और एक तुम मरो कैसे। अब हम समझ गए, समझ गए। अब लड़ो ना। क्या समझ गए? तुम हमसे खूब नाराज हो जाओ और भगवान करे तुम फांसी दे लो। हम फांसी दे लो तो तुम्हें किन्ने दे लो फांसी? फांसी ना, फांसी कोई ना। देख ले प्रधान जी कैसे कह रहे। अब हम समझ गए। कहा समझ गए? समझ गए। अब तुम्हारे मन की जान लई और तुम हमें मारना चाहती हो और दौलत के पीछे आंगन में कई और भागना चाहती हो। लड़ नहीं पाएंगे। बेवरे के सामने बेइज्जती वही सो तो हुई ही गई। हो गई हो। अब प्रधान जी के सामने ऐसी बात है कि अगर तुम मर जाते 10-20 लाख मिल जाते तो गाड़ी होती, बंगला होता, जे होता वो हम समझ गए कि स्त्री को क्या चाहिए। रुपया के गेला आदमी का जो है ही ना जो मतलब, और जबकि आदमी के गेला रुपया है तो कहा है। अब समझो प्रधान जी। नारी में कितने रूप भरे ये सबको दिखाना चाहती हैं हम तुम। अब समझे नारी पति नहीं,
अरे सिर्फ खजाना चाहती है, हम समझ गए। आज हमें बोबात प्रधान जी याद आ गई, जो पंडित जी हमारे गांव में कथा कहने आए थे। उन्होंने एक दिन बताया था कि तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं और अब गुड़या आठ सदायुर रही, आठ आठ अब गुड़ तो दो कम रह गए तो समय। बस यही तो मुसीबत है, तुम देख रहे हो ना कैसी बातें हो रही। इनमें बेउ दो है, सवेरे तक दोपहर रहेगा तुम्हें मालूम है, चाय तक नहीं मिली है। तुम पे कुछ काम हो तो है, हम प्रधान हो के घर सोनी पत्ता सब कर आए, तुम कुत्ता पैर फिरता हो। अब देख लियो प्रधान जी, तुमने मेरे मन की बात की, बात मन की ना कही, हम तो मैं समझता है। हाँ जरा लकड़ियों बीन ले आती है, मेरे कंडा ले आती सो कहा पता खादी करो कुछ है। तुम लड़ो नहीं है, देखो हमें तुम हमसे बातें और मत करो, हम जब कहता है तुम बोलो ना। अच्छा हमने बोले, अच्छी बात भी हमें जहर के समान लग रही है। अब दोबारा माला पत्ते पत्ती फिर बनी उठी, हम बताए देते हैं। अब प्रधान जी तुम रोक ले देखो, अब तुम ना ही, अब तुम जब जानते हो कि तुम्हारी बिल्कुल ना ही चलती तो दबी जाओ। मैं उनमें की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। अरे और तुम किनमें की हो? मैं सीता सावित्री, सुना है ना, मैं उनमें की हूँ। हाँ जय सीता जी, कि मैं उनमें की नारी नहीं, सुन रहे, कि मैं उनमें की नारी नहीं, मैं कितनी सीधी साधी हूँ। देखे तो समझ लो हमारी घना ही पजट जाता है, तुम्हें देख हमें गुस्सा आया, तुम्हें देख हमें गुस्सा आती, गाली देने की आदी हूँ। हमारे सामने गाली देवे के आदमी हो। हाँ। और तुमने कहा कुछ कहले ही कहूं, हमें ही मिलेगा। तुम हमें क्या समझ रहे हो? मैं बाने की ओर इतना है। अरे हम तुम्हें सीता जी समझ रहे हैं, हम तुम्हें सावित्री समझ रहे हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। अब बोलो नहीं, खामोश बैठो। अब देखो तुम चुप कहां हो जा, हमने कहा था चुप बैठो। अब तुम समझ लियो, फिर हमें गुस्सा आ जाइए। सावित्री ने मरते दम तक हम तामे की हूँ। अच्छा हाँ, तामे की हो चाहे सोने की हो, हमें जा से मतलब ना है। सावित्री ने मरते दम तक नहीं साथ पति का छोड़ा था, पति की आज्ञा के कारण ही, पति की आज्ञा के कारण ही सीता ने सब सुख छोड़ा था। और सुन रहे हो, नाम बदनाम मत करो उनका। मैं नाम बदनाम कर रही हूँ? नाम बदनाम मत करो। देखो बात तो जे है ना, कि जो तुम हमें बनाए वो चाह रहे हो नौकरानी सोने बनन वाली ना। मैं रानी बनना चाहती हूँ, नौकरानी नहीं बन पाऊंगी। जब घर में रहे हो तो बने हो। हम? हाँ तुम सो हम हमें कहा था बने हो, और हम कह रहे ना बने तो तुम हमें नौकरानी बनाया। सुनो तुम सारी घर को काम करो, सुन रहे हो, तुम सारी घर को काम करो, मैं बैठी बैठी
हम सारे घर का काम करें। हाँ तुम। हम। हाँ तुम। चौका हम लगाएं, बर्तन हम साफ करें। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जिस समय हम खड़े होते हैं स्टेज पर, अरे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता हमारे हमारे पैरों पे पड़ता आता है, तुम्हें मालूम है कुछ? अच्छा हाँ। बस अब देख इतनी रखो, हम देखा प्रधान जी अब तुम छोड़ दो, अब ना 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 उदम ना तुम छोड़ दे प्रधान जी, ले ले तो ये डंडा। अरे डंडा पे नंबर, अरे सीता जी बन रही, कह रही हम सीता जी, अरे सीता तो बहुत ही हमारे देश की नारी, उनका नाम बदनाम कर रही हो तुम, एक काम करो। अरे थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, ऐसी किस्मत भाई आई, ऐसी भाग्यशाली आई, सवेरे तो संजा लो प्रधान जी लड़ाई में ही गुजर जाते। बताओ दुख है जवाब को है, अब अपने घर की बात किन से कहो, अब मान लो तुम तो घर के आदमी हो। सही बात है, ये सब बोटे ही तुमने तुम्हें ही बताए और कहा, हां ताई से तो कह रहा है, सो हम बता रहे हैं इनकी बातें बता रहे हैं। जब से आई भाग्यशाली सब घर से कुमत गई है, तुम्हारा चेहरा देख घर से भागी आज सुमत है, तासे थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे बड़ाई, जब से आई है ना घर की सुमति चली गई। सही कहा था लक्ष्मी जी, तो घर के 5 लाख के चली गई, आलो लौट के ना आई, जब से आई है तब से। सही कहा, मैं आई तासो, जना मालूम हुई है तुम्हें कि हमारी तासो तुम्हारी जिंदगी और बनी गई, जब घर में चुहिया भूखन मती आती है तो वहां से ही बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो, तुम्हारे आंसर हमें रोटी मिलने लगी और कहा तुम बोलो ना, अब तुम देखो चुप कर, हम बता दे रहे, रारी मत करो निकने की बात, तुम लोग रारी पत्तो ले रहा। अरे हम अब हकीकत सत्य बात कड़ी होती है ना, नहीं कड़ी होते कड़ी कहा था क्यों हो, हमें पूछो अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, तासे हम जा कहता है तुम भैया हम कैसे कैसे तुम रेसो एक फांसी दे लो बस, हम जी जा, फिर कह दी फांसी की, अब देख लो प्रधान जी फांसी की मत कहियो, तो तुम ही जिंदगी पर हम जा सड़क पर, हम से फांसी की कह रहे हो, सड़क पर गिर पड़े तो ऊपर से ठेला निकल जाए और क्या है, हम आज जाए और देख लियो रोड जाम हो जाए, कैसी दारी भाई काम है, तुम्हारी अच्छी बात भी हमको लागत बहुत बुरी है, समझ गए काले ताई तुम्हें बुरी बात लगने लगी, तुम्हारी अच्छी बात भी हमको लागत बहुत बुरी है, तुम्हें हमें, अरे ऊपर से गोरी है लेकिन जहर की बुझी छुरी है, तासे थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, ऐसो हुक्म चलाती सब पे जे, मानो अब हम कह ना सकता, मानो बसपा के अध्यक्ष जे ही हैं, अरे ना तो बसपा के अध्यक्ष ना तो अपने घर की अध्यक्ष तो हैं ही, घर की हैं हाँ, मैं भाई तुम बता रहे हैं, अब देख रहे प्रधान जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी गुस्सा आ रही है, तवा उठा के देने खो पड़ी, प्रधान जी तुम ऐसे तुम छोड़ दो, अरे हम छोड़ कैसे थे, अरे तुम छोड़ दो प्रधान जी, ले तो ये रोड़ी डंडा, तुम्हें ईमानदारी की चाहे मोए मान लो तो जाने, लेकिन रारी मत करो, अरे सवेरे तक दोपहर नहीं हो, रात ना खत्म हो रही है, 8 घंटा पूरे काम आए, अब चक्कर जे है ना तुम्हें मालूम है, सबके ऊपर हुक्म चलावे पेशन कोई चलते है, हम से सबके ऊपर हुक्म चलावे पेशन कोई चलते है, सुबह हो तो ही देख जो मौकों, सुबह हो तो ही देखे जब उनको रोटी नहीं मिलते हैं, तासे थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे बड़ाई, गांव चर्चा है, सवेरे को जो इनको मुंह देख ले तो है प्रधान जी संजाल रोटी ना पलने पड़ते, बताओ इस इन के मुंह में क्या कमी है, कमी आदत में कमी है, कमी आदत में ना है, कमी आदत में है और कमी समझदारी में हुए,
ताशा तुम ऐसे है, अब खामोश रहो, बोलो ना अब। अब देखो प्रधान जी कैसे हमारी टाट टाट भदियत कर रहे, मैं ऐसी गुस्सा आ रही हूं, हम फांसी गाय ली। अरे मत, फांसी नो यहां, फांसी को कोई कलम नो है, फांसी लगाई हो तो हांसी हो जाएगी, अगर तुमने लगाई फांसी तो इन्हें खांसी हो जाएगी। नेताजी हाँ बहुत रार है गई, घर की रार से परिवार बर्बाद है जा, तो यही सुनो भाई, बस सुनो जो कहते हैं देखो पत्नी से इतने मन लड़ो, उनते ही कहते हैं तुमसे ही कहते हैं, तुम्हें नहीं मानोगे तो बे कहते मानेंगे, और हम बताते हैं ताशो, अब तुम जानते हो कि लड़ाई करके कछ हो जाए, अब ना इधर ही गो ने मेरे गाँव में देख लो ब्यासी लडुआ फेंकता है, जाएगा तिराग हो भैरवानी का कुआरी ना है, एकदम चाहे दो चाहे तीन ना होना को तो हो जातु है, मान जाओ देखो अब हमें तो खटिया भी नहीं जाएगी, और हमारे प्रधानियाँ लड़ेगी ईमानदारी की बात, सवेरे मैंने बात रहा दो हम भजन चले आए, तुम्हारी खट्टपट्ट सुनी, और देखो मात तूर में कोई फायदा ना है, आदमी की मार वाला कमी होते भैरवानी वहाँ तो उठ जाए, तो हम जाएंगे और नितिन को समझा दी, और तुम मान जाओ देखो ठीक है, तुम अगर कह रहे हो तो ठीक है। नितिन हाँ सुनो कौन की बात है, जगाता है देखो आदमी ईश्वर हो तो है, और ईश्वर न मानो तो ईश्वर तो है हो तो ही है, और रह गई बात है ऐसी तुम लड़ाई बेती मत करो, देखो जो कोई पीतर को भगवान ना है सूरज बदलवे में आ जाए और बनी बिगड़ी, तो हम तो ईमानदारी से जगाते हैं, तुम हमारे मुंडे पे आम धरो बात मानियो, अब तुम कह रहे हो प्रधान जी तो माने तुम्हारी बात क्यों ना माने, मुंडे पे आम धरो ले तुम्हारी की समझ तो मुंडे पे हाथ धर रहे, देखो ऐसा है अब हम जाते हैं जन्नी में, और खबरदार खबरदार जो नेताजी पे हाथ उठाओ, अब हाथ ना उठ जाए, हाँ हिसाब से पाए घर चला, दुनिया ऐसी ही जीती है। अच्छा नेताजी हमें तो चलते फिर, अच्छा अच्छा ठीक है प्रधान जी, बेकर सुना है कहीं, और तुम्हें नहीं कराओ उस समय वैसे ही हम तो खटिया मिलने, और फिर ठीक है राज मत करियो, राम 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 ठीक है। रार तो ही गई लेकिन नेतियान जलेबी ज्यादा मन से खा, चलो जलेबी ले आते हैं। अरे ले जे धरी जाओ रे, ऐसी जलेबी बनाई बताओ जे कैसी बनाई है, चलो कोई हमें क्या मतलब है, नाए हमारे बोला चाली नाए हमारे कोई, अलमारी में धरी जलेबी खाई जाए जाए खोई, नाए हमारे बोला चाली नाए हमारे कोई, अलमारी में धरी जलेबी खाई जाए जाए खोई, खाई जाए जाए खोई, खाई जाए जाए, हमें कोई मतलब ना है। ऐसो करें सवेरे से तो डंडा चला तो ये गौ है, और वे कचौड़ी बड़ा मन ते खाते हैं, चलो लाओ कचौड़ी बना ले, कि नहीं हमारे बोला चाली नहीं हमारे कोई, कि नहीं हमारे बोला चाली नहीं हमारे कोई, कल सवेरे करी कचौड़ी खाई जावे चे कोई, कल सवेरे करी कचौड़ी खाई जावे चे कोई, सवेरे की करीब ही है तो ज्यादा दिनारी ना आए, उसे हमें चार पांच दिन पहले की रोटी मिलते है, कल सवेरे की है चलो कुछ ना खा लेता है, लेकिन जो क्या कचौरी तो है दही है ना, क्या दही रखो तो है लेकिन कल परसों को है खट्टो ही गो है। अरे तो ठीक है तो तुम कहियो खाओ समत, कल परसों खाओ ले आओ ले खा ले। अब देखो ऐसे हुए, देखो नेताजी के सामने ऐसी बातें मत कहो करो जैसी तुम कह रही, प्रधान जी के सामने जो बातें वहीं, अभी बेचारे कहूँ कहीं जाएगी, वो प्रधान ना है वो कैसे जीते हुए मालूम है तुम्हें, पचास वोट तो मरे मराने के डाल रहे हाँ। बढ़िया है अच्छे हैं सही है प्रधान जी, हाँ ताश लड़ो मत करो आज के बाद, अब लड़ोगे नहीं हाँ, अब हम कब ना लड़े हाँ, तो बस इतना ही ध्यान रखो, अब तुम ऐसा करो अब तुम हमारी ढगा मत बैठी रहो, जे बता रहे कल कचौरी धरी है, अरे बेटा हम खा ही रहे हैं तुम्हें मालूम है, सामने देखो सामने, अरे अब खीसे ना, अरे अब खीसे ना काढ़ो कल्हैया
रही हूँ। जायसे तो कह रहे तुम तो हमारे ढंगा बैठ गई रह गई। एक बात और बताएं? हाँ हाँ जरूर बताओ। सवेरे तेते लड़ लड़े के तुमने हाँ कहना ली। अब बातें छोड़ो। अब लड़ेगा तो ना करो। हाँ अब ना लड़े। हाँ तासे एक काम और करो। दो चार कचोरी और उसे किलो भरो न पेटू हमारो। खाए रहो तुम तो सेक ही रहे। हाँ दो चार कचोरी और उसे किलो भरो न पेटू हमारो। तुम तो खूब जलेबी खाई सब दिन का करो गुजारो तासे खी से ना अब खी से ना फारो कढ़ैया भरी जाए। अब पेट तो भरे आओ हम जाए। अब जाए तो रहे हो लेकिन ऐसे मत जाओ। हम कल से देख रहे तुम जे ही कपड़ा पहने हो हम पे तो तरसन आ घुर जाए रहे हो। तुम ऐसे ही रहती तो ब्यौहरे के सामने अब वो प्रधान वो कल जीतो है बाके सामने भाई बेइज्जती ना है जाती। चलो पिछली बातें छोड़ो जो बहु सो ही गो। सारी प्रेस बिगड़ गई कैसे कपड़ा कल के पहने कल के चार दिन हो गए कपड़ा बदलना है पाया हमने। हाँ ताई से तो कह रही हूँ। प्रेस बिगड़ गई कैसे कपड़ा कल के पहने और तुम्हारी खातिर रख दूंगी अरे तुम्हारी खातिर रख दूंगी मैं सारे अपने गहने। अब रोटी न खाओ सीधे मीटिंग को जा अब रोटी न खाओ सीधे मीटिंग को जा। अगर जे बातें सवेरे तक तुम कहा थी तो लड़ाई काहे को होती। अब देखो तुम बेई बातें करके रह गए फिर और टेम्परेचर मीटर भीड़ बढ़ गया समझ रहे हो फिर तुम। चलो अब जो हुई गई सो हुई गई। अब चलो कोई बात नहीं। अब तुम एक काम और कर ले बताओ। वो अब प्रधान ना है वो ऐसो है अगर सुन लई के एना में सलाह होगी तो आ जाए और जो सुन लई के लड़ाई हुई गई तो आ जाए। तासे एक काम कर ले बताओ। चार कचौरी और बना ले अभी प्रधान बुलाऊं। ठीक है बुला ले बुला ले। दो चार कचौरी और बना ले अभी प्रधान बुलाऊं। जन्म समेरो तेरो हित है उनको समझाऊं तासे थाड़ी ना रहो कढ़ैया भरी जाए। तासे थाड़ी ना रहो कढ़ैया भरी जाए। प्रधान जी को बुला रहे। अरे बुलाइबे की जरूरत ना है हम तो आ ही गए जाके मतलब तुम द्वारा पे ठाड़े थे। अरे तब के हम देख रहे हैं कि अब तो होरी दिवारी तीनों त्योहार में लमा चल रहे हैं। जे सुख अगर पहले हमारी बात माने होते तो अब लो दस दस किलो वजन दो जन्म बढ़ेगा हो तो आज हमारी आत्मा इतनी सुखी है हमारे हमारे देख के आंखें कान ना सुने के कान बड़े मगन आए। पति पत्नी को बस जाए हिसाब से रहे वो चाहिए। जे दो चार कचौरी रह गई प्रधान जी तुम खा ले। अरे हम बिना कचौरी के ही पिले गए फिर नए मानते तो जेल फांसी ना है। ले आओ कचौरी खाएंगे। ले खा ले प्रधान जी खा ले खा ले। बस परमात्मा सुखी राखे। बस लड़ाई बेती सही बस हमारे फिर कोंद तो है जब बात खत्म हो गई। देखो कितो अच्छो बाब लगा तो है नए लगा तो है लगा तो है हम अब हम लड़ेंगे नहीं। लड़ने की बात ही कहा लड़े तो फौज लड़े तुम क्यों लड़ोगे। हाँ सही प्रधान जी हम समझ में आ रही हम कहू ना कहू ना लड़े। पक्की बात करो कट्टा कर दो लड़ाई सपो। हाँ अब हम कब ना लड़ेंगे। हाँ
इसलिए माता बहनों हमारी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने पति से कभी लड़ाई झगड़ा मत करियो। आज हमें सुबह से शाम हुई गई लड़ाई लत लत, लेकिन कछ ना मिलो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ी के सबसे निवेदन है कि अपनो पति चाहे हो निर्धन चाहे हो बेबलीना, और हसी खेल के करो गुरारो मोहम्मत करो मलीना, हसी खेल के करो गुजारो मोहम्मत करो मलीना। और तन मन से जो नारी करेगी अपने पति की सेवा, माताएं बहनों अरे तन मन से जो नारी करेगी अपने पति की सेवा, अंत समय बैकुंठ को जय है भये सुंदर मेवा। हाथ जोड़ के सभी माताएं बहनों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के बिने हमारी माता और बहना, हाथ जोड़ के बिने हमारी माता और बहना, पति से बढ़ के और न कोई दूजा होता गहना, पति से बढ़ के और न कोई दूजा होता गहना। रुको रुको, साथ साथ मुझे भी अनुरोध करने दो। हाँ आप कहो, समझाओ सबको समझाओ। सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है, एक विनती है, पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दोनों पहिया होते हैं, और जिस गाड़ी में कोई भी पहिया कमजोर है तो उसे चलने में झटका लगता है। इसलिए सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है, इसलिए बिना जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, इसलिए बिना जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, प्यार से राखो नारी घर में गोरी ओए छाए खारी। साथ साथ हम आपको एक नसीहत दे रहे हैं, पर नारी के पीछे जो अपनी नारी को दुख देते, पर नारी के पीछे जो नारी को दुख देते, होता है अपमान बाद आंसू भर भर के रोते। नित्यनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना है, जो कलह रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है। सच बात है ना? हाँ हाँ सच, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो कल है रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है।